डॉक्टर साहब, आज पंजाब का बजट पेश किया गया 2653 अरब रुपए का, कहा जा रहा है टैक्स फ्री बजट है ये। सबसे पहले तो ये बताएगा कि ये खसारे का बजट है या सरप्लस में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, सबसे पहले तो पंजाब की आवाम को आपके ज़रिए मैं ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ये 3 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बस्तार की मेहनत और इमरान ख़ान साहब की एज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुसलसल सूबे को सरपरस्ती दे के बदहाल 1200 अरब रुपये का जो मकरूह सूबा था उसको वापस अपनी तरक्की और खुशहाली के उस अज़म के साथ जुड़ा एक कंसिस्टेंट कंटिन्यूड लॉन्ग टर्म एक तरजीहात के साथ जुड़ा जो बजट है आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पंजाब असेंबली में पेश किया है। ये यकीनन सरप्लस बजट है जो 53 बिलियन रुपीज़ जो है वो इस वक्त जो है सरप्लस में हम लेके आए हैं, और जो रंगबाजी शोबाजी और ड्रामाबाजी से हट के हकायक पे मबनी उन तमाम तल हकीकतों को सामने रखते हुए बनाया गया है। और ये अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं इस बजट में एक आम आदमी के लिए क्या है? के ख्वाब को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रख लिए 66 अरब रुपए, ई गवर्नेंस के लिए रख लिए 5 अरब रुपए, मुख्तलिफ अज़ला में 19 नई यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए 1 अरब 54 करोड़ मुख्तस कर दिए आप लोगों ने। इसके अलावा बहुत से और दूसरे शोबे हैं, सेहत के लिए आप लोगों ने 98 अरब रुपये रखे हैं। एक आम आदमी जो इस वक्त महंगाई से पिसा हुआ है उसके लिए आप लोगों ने इसमें क्या रखा है? सबसे पहली बात तो जितनी तरजीहात आपने गिनवाई हैं, जितने महकमे गिनवाए हैं, इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से बेनिफिशरी जो है वो आम आदमी है। कैसे? जब आप क्वालिटी हेल्थ की बात करती हैं तो सबसे ज़्यादा इस मुल्क के अंदर जो चैलेंज रहा वो लोगों को सेहत के इश्यूज़ के हवाले से दरपेश मसाइल का रहा। लोगों की आमदनी कम होती थी, लोग बीमार पड़ के अपनी आमदनी से जायद कर्जे लेके ज़मीनें बेच के जायदादें गिरवी रख के इलाज कराते रहे हैं। तो ये 98 अरब रुपए का जो सेहत इंसाफ कार्ड जो है कौमी सेहत कार्ड की शक्ल में जो पहली दफ़ा उनकी जेब में आ रहा है, और वो सुकून महसूस करेंगे कि अब उन्हें किसी जगह पे भी अपने इलाज मालजे के लिए धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, और ना सरकारी हॉस्पिटलों के बाहर और प्राइवेट हॉस्पिटल की चौखट पर एड़ियां रगड़ के अपने प्यारों को अब वो मरता हुआ नहीं देखेंगे। अब ये रियासत ने जिम्मेदारी ले ली है और एक इस्लामी फलाही रियासत की इकासी करता हुआ ये जेस्चर है। तालीम के लिए बजट आप लोगों ने सेहत की तालीम के लिए कितना बजट रखा है? नून लीग बड़ी तनकीद कर रही है कि आप लोगों ने इस पे बजट कम रखा है। सबसे पहली बात तो नून लीग को ये पता होना चाहिए कि सेहत और तालीम ये इस हकूमत की तरजीहात हैं, और उन्हीं तरजीहात को सामने रखते हुए हमने एजुकेशन और हेल्थ को मिला के 205 अरब 50 करोड़ रुपए जो हैं एलोकेट किए हैं, और ये दोनों हमारी अव्वलीन तरजीह भी हैं, पीटीआई के मैनिफेस्टो का हम तरीन जुज भी हैं। और अगर आपको इसे पिछले माली साल के साथ कंपेयर करें तो ये कोई तकरीबन 110% बजट जो है वो ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो पढ़ा लिखा सेहतमंद पंजाब है वही अल्टीमेटली तरक्की याफ्ता और खुशहाल पंजाब में बदलेगा। और ये दोनों सरकार मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा, कितने परसेंट इजाफा हुआ है? हमने फेडरल गवर्नमेंट के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए 10% जो वफाकी हुकूमत ने इजाफा किया सरकारी मुलाजमीन का, हमने एक तो उसको इंश्योर किया है, दूसरा 10% पेंशनर्स की जो उसमें एडिशन हुआ था उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। अहम चीज़ जो शाजिया देखने की है कि 25% जो स्पेशल अलाउंस था वो पंजाब के मुलाजमीन को अवेलेबल है, और जो हमने टैक्स लगाया आप लोगों ने नहीं जून मेडिकल अलाउंस जो मिलता है उस पर तो विफाक में तो टैक्स लगा है, प्रोविडेंट फंड पर भी टैक्स लगा है। नहीं, हमने कोशिश ये की है कि हम इस बजट को टैक्स फ्री बजट रखें।
नहीं नहीं, मुझे इसका बताएं ना स्पेसिफिकली, मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। काश्तकार जो मुलाजमीन है उनको जो मेडिकल अलाउंस मिलता है उस पर टैक्स लगा है? टैक्स की कटौती होनी है उस पर? देखिए मेडिकल अलाउंस तो अब हम टोटली जो है इसको अब हम रीडिफाइन करने जा रहे हैं ना। कैसे? जब उनके पास हेल्थ कार्ड आ रहा है, उनके जेब में हेल्थ कार्ड है, तो उन्हें मेडिकल अलाउंस की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए ये सारी चीजें हम रीस्ट्रक्चराइज, रीवैम्प और रीडिफाइन करके अपनी तरजीहात जो है हेल्थ केयर सेक्टर में सामने लेके आए हैं। जो आज इंतहाई अहम बात हुई कि पंजाब गवर्नमेंट के सामने, आज कैबिनेट के सामने जो बजट लाया गया, उसमें किसानों के ऊपर, छोटे काश्तकारों के ऊपर जो है वो टैक्स लगाने की तजवीज आई। वज़ीर आला पंजाब ने उसको मुस्तरद किया और जो 2 अरब से 3 अरब की आमदन उस ज़राए से हो रही थी, वज़ीर आला ने उसको हर हाल में किसान के तहफ़ के साथ जोड़ा। बड़ी थिन मेजॉरिटी में है तहरीक इंसाफ पंजाब में, क्या बजट आसानी से मंजूर करवा लेंगे? आपको तरीन ग्रुप भी है, उसका भी प्रेशर है, फिर नाराज लोग भी हैं, अकाफ लीग के अपने मुतालबात हैं, आसानी से बजट पास हो जाएगा? शाजिया देखिए, ये अवाम का बजट है, अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के साथ जुड़ा बजट है। ये मेहनत कश मजदूर, गरीब, छोटे काश्तकार, सरकारी मुलाजमीन और पिसे हुए तबकात की हर तरह से सरपरस्ती करने वाला बजट है। हर वो अवामी नुमाइंदा जो अवाम को जवाब दे है, वो इस बजट को पास करने में हकूमत की मावनत करेगा, सपोर्ट करेगा। और जो तरीन ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे घर के अफराद हैं और घर वाले जो हैं कभी भी अपने मसाइल जो हैं वो घर के बाहर जाके उनको अपने नज़रिए से हट के किसी तरह से भी बयान नहीं करते। और ये बजट इंशाल्लाह हमारी यकजहती का जामन बजट बनेगा। ये बजट जो है सिर्फ हमें अपनी जमात ही नहीं, इत्तेहादी ही नहीं, बल्कि अपोजिशन के भी अराकीन जो है वो भी वोट देंगे। उन्होंने ये कुछ ज्यादा ही हो गई है वैसे, मिलके ये कुछ ज्यादा ही होगी वो अपोजिशन की जो बात नहीं करने दे रही। ये हकीकत आपके सामने है कि उन्होंने वजीर आला के सामने आज आके अपनी तमाम तार हमायत और तावन का यकीन दिलाया। तो अपोजिशन को चूंकि आप बजट में अवाम के जरूरियात, मसाइल और मुश्किलात के साथ जुड़ा जो रोड मैप और रेसिपी वजीर आला पंजाब ने दे दी है, उस पे कीड़े निकालने की तो कोई चीज उनको मिल नहीं रही। अब वो सिर्फ और सिर्फ डेस्क बजा के स्क्रीन पे जिंदा रहने के लिए ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको इस बजट में सिर्फ और सिर्फ मायूसी उनके हिस्से में आई है, क्योंकि जो 11 KV का हमने उनको झटका लगाया, एक तो सरप्लस बजट दे के पंजाब की तारीख का, अच्छा, दूसरा जो है वो अवामी मफादात और सर्विस डिलीवरी के साथ जुड़ा ये बजट जो है अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आपको अपने ही ना, अपने ही ना दे दें, आप लोग अपोजिशन को दे रहे हैं, आप लोगों के अपनों ही ना की तरफ से ना झटके आप लोगों को भी मिल जाए। नहीं, हमारे अपने जो है वो हमें मोहब्बत करते हैं इमरान खान के नजरिए से, और जहां पे जरूरत पड़ेगी वो 440 वोल्ट के जो शॉक है वो अपोजिशन को देंगे हुकूमत के साथ मिलकर। लोकल बॉडीज दोबारा कब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दोबारा कब बहाल कर रहे हैं आप लोग इसको? देखिए उसमें हमारी अपील इस वक्त भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और हम ये सुप्रीम कोर्ट से हमने राय मांगी है, रहनुमाई मांगी है, क्योंकि एट ए टाइम दो सिस्टम इन प्लेस नहीं हो सकते। जो सिस्टम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है, उन दोनों के दरमियान अभाम है, वो क्लैरिटी चाहिए। जो ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तफसीली फैसला क्लैरिटी के साथ आ जाएगा, इंशाल्लाह हुकूमत उस पर हर हाल में अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।